पर हम लोग को समझ में आता है ना कि हम लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। ये कब्रिस्तान के ऊपर देखिए हम लोग बैठते भी हैं, मतलब होता है ना कि इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं करते हैं, बैठते उठते हैं यहाँ पर। जैसे बहुत सारा चट्टान है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बैठ के बैठ के बात करते हैं, और बहुत कुछ सोते भी हैं पता है यहाँ पे। ये करके यहाँ पे भी जितना सारा चट्टान है, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब सबके अंदर में एक एक है, मतलब सबके अंदर में एक एक जन है। हेलो दोस्तों, तो आप सब तो कैसे हैं? आप सबों का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो हटके होने वाला है, और फिर वो कब्रिस्तान के ऊपर होने वाला है। मतलब आज का जो ब्लॉग हम बना रहे हैं वो कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे, हम लोग का हो समाज में जो कब्रिस्तान होता है वो कैसा होता है और किस जगह पर होता है। वो हम लोग का जनरली होता है ना कि मतलब गाँव के बीच में ही होता है, गाँव के बीच में और घर के आमने सामने ही होता है। जरूरी नहीं कि घर के आमने सामने ही हो, पर मेरा जो कब्रिस्तान है हम लोग का खानदान का यहाँ पे, और ये मेरा घर है और यहाँ पे कब्रिस्तान है, ऐसा है। तो होता है ना कि जनरली हिंदू समाज में होता है कि जो भी डेथ कर जाते हैं या हमारा ये छोड़ के चले जाते हैं साथ छोड़ के, तो उनको क्या होता है कि हम लोग दूर ले जाते हैं, दूर में जलाते हैं, और उनका जो राख होता है उसको हम लोग गंगा या काशी या कोई भी ऐसा पवित्र जगह में हम लोग बहाते हैं। तो फिर ऐसा नहीं होता है हो समाज में। ऐसा हम लोग का होता है कि मतलब जो भी हम लोग को छोड़ के चले जाते हैं, जिनका भी मृत्यु या डेथ हो जाता है, उनको हम लोग जो मेन आंगन होता है ना उसी आंगन में हम लोग जलाते हैं, और वहाँ पे हम लोग सब रहते हैं। जनरली हम देखते हैं कि बाकी और दूसरा समाज में होता है ना कि लेडीज़ लोग को नहीं ले जाया जाता है जहाँ पर जलाते हैं। तो हम लोग का ऐसा हो समाज में होता है कि सबको ही मिल करके उस काम को करते हैं, जो भी लास्ट टाइम होता है उस काम को, मरण के बाद जो होता है ना कि जलाने और भी बाकी जो भी प्रोसेस होता है वो सब सारा काम लड़का और लड़की, मतलब जो भी है जेंट्स और लेडीज दोनों मिलके करते हैं, और घर के आंगन में ही जलाते हैं वो, और उसमें सब कोई पार्टिसिपेट रहता है। और देखिए यहाँ पे हम दिखाएंगे हम लोग का कब्रिस्तान, तो हम लोग का कब्रिस्तान देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे होता है ना कि जो भी हम लोग मर जाते हैं उन लोग को हम लोग मेन आंगन में ही जलाते हैं, और जो राख बचता है उसको हम लोग घघरा, नया वाला घघरा में उसको हम लोग डालते हैं, उसके बाद हम लोग दफनाते हैं। तो देखिए ये सब जो है ना, ये सब जला करके वो गड्ढा किया जाता है, गड्ढा करने के बाद उसमें गोबर उबर और उनका साड़ी वगैरह दिया जाता है, उसके बाद उनको दफनाया जाता है, मतलब घघरा में डाल करके। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जला करके ही उसका राख को ये दफनाएंगे, तो कभी कभी होता है ना कि हम लोग गोटा भी दफनाते हैं, मतलब फुल बॉडी ऐसे दफना दिया जाता है बिना जलाए, क्योंकि जिसको जैसा ताकत, जैसे लकड़ी का जिसको क्राइसिस है, मतलब लकड़ी का दिक्कत है, तो उनको मतलब बिना जलाए भी दफनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला है इसमें बिना जलाए दफनाया हुआ है, ये पूरा लंबा वाला इसमें भी बिना जलाए दफनाया हुआ है। तो मतलब होता है ना कि कभी कभी होता है लकड़ी, और कोई कोई तो होता है ना मरने से पहले बोल के भी जाते हैं कि हम जब मरेंगे तो हमको मत जलाना, या कोई कोई बोलते हैं कि हम जब मरेंगे तो हमको मत तोपना, हमको जलाना। तो जिसका जैसा मतलब किसी का इच्छा के हिसाब से, और जिसका पैसा का भी दिक्कत होता है कि पैसा प्रॉब्लम होता है तो लकड़ी कैसे लाएंगे वो लोग, तो इस वजह से भी वो लोग मतलब गोटा भी दफनाया जाता है। किसी किसी का इच्छा भी होता है कि वो लोग बोल के जाते हैं कि हम मरेंगे तो हमको नहीं दफनाना, या हम मरेंगे तो हमको जला देना, ऐसा वाला, तो उसके हिसाब से होता है जैसा घर वाला चाहेंगे उस तरह से। दोस्तों देखिए हम लोग का जो होता है ना कि ये वाला गांव के ही अंदर में है और घर के सामने में ही है, तो ये हर मतलब कब्रिस्तान हर खानदान का एक होता है, और यहाँ पे अगर फुल हो जाएगा तो वो दूसरा जगह किया जाता है वहाँ पे। यहाँ पे जो कब्रिस्तान है ये हमारा खानदान का है, जितने भी लोग हमारे खानदान से डेथ करेंगे या मर जाएंगे या नहीं रहेंगे वो लोग दुनिया में, तो वो उनको यहीं पे ही किया जाता है। तो देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाला कब्रिस्तान है, और ये जो चट्टान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, दीरी बोलते हैं, मतलब इसको हम लोग चट्टान को दीरी बोलते हैं। इसमें जब भी डेथ करते हैं वो दफनाया जाता है, दफनाया जाता है, उसके बाद क्या होता है ये वाला बड़ा वाला चट्टान लाया जाता है, और उसके ऊपर बहुत सारा काम होता है, या फिर आजकल के लोग बहुत कोई प्लास्टर कर देते हैं अगर दीरी नहीं लाते हैं तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैठी हुई है उसके ऊपर में, तो इसमें नाम कौन है, यहाँ पे कोंका सिंकू है, स्वर्गीय कोंका सिंकू, ये कोई है पता नहीं जो भी है, हमको नहीं आइडिया है अभी उतना, तो उनको देखिए प्लास्टर किया गया। और हम लोग के समाज में क्या होता है ना, बहुत कोई होता है ना कि कब्रिस्तान के नाम से डरते हैं या डर लगता है, वो जाहिर सी बात है किसी को भी थोड़ा डर लगता है कि वो नहीं रहे, डराएगा ये वो, पर हम लोग के समाज में होता है ना कि हम लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। ये कब्रिस्तान के ऊपर देखिए हम लोग बैठते भी हैं, मतलब होता है ना कि इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं करते हैं, बैठते उठते हैं यहाँ पर। जैसे बहुत सारा चट्टान है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बैठ के बैठ के बात करते हैं, और बहुत कुछ सोते भी हैं पता है यहाँ पे। ये करके जैसे गर्मी काल में क्या होता है कि बहुत गर्मी लग रहा है, तो यहाँ पे तो खुला है
चलो जा करके सोते हैं। तो एक एक चट्टान में सब कुछ होता है, अगल बगल खाना उना ले करके, मतलब अगल बगल में कभी कभी होता है ना गाँव देहात के लोग बच्चा बुतरू सब लेकर के होते हैं, तो लोग खाना भी वहाँ पे पास में रखते हैं, वो लोग इसी में ही सोते हैं। देखिए ये वाला चट्टान कितना बड़ा है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी चट्टान है। खैर इधर तो धूल हो गया है, मतलब ये सब रखा हुआ, ये सब जितना भी चट्टान है बड़ा बड़ा, उस तरफ भी देख सकते हैं आप, इधर में भी जितना भी बड़ा बड़ा चट्टान है सबके अंदर में एक एक कोई है, कोई तो कोई है। और ऐसा भी होता है कि हम लोग का मतलब उतना कोई कोई बाउंड्री के अंदर में भी लोग दफनाते हैं। तो देखिए इस घर में हम आप लोगों को दिखाएंगे, ये बाउंड्री के अंदर में भी है, यहाँ से दिखाएंगे आप लोग को, ये देखिए बाबा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये सब जो है ना, ये सब घर के आंगन में वो सब में भी दफनाया हुआ है। देखिए वो हम दिखाएंगे, वो देखिए चेयर के पास में, वहाँ पे बहुत कोई होता है ना कि हम लोग समाज में घर के आंगन में भी दफनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे और सारा काम कर रहे हैं, यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, और ये देखिए गोल गोल देख रहे हैं ना ये वाला उधर छेदा, ये यहाँ पे देखिए पानी भरा हुआ है, उसमें होता है ना कि सब कोई ये कूटते हैं, चावल सब भी कूटते हैं। अभी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे गंदा हो गया, पहले बहुत साफ सुथरा रहता था ये वाला जो भी है शमशान या जो भी कब्रस्तान, बहुत साफ सुथरा रहता। और यहाँ पे होता है ना कि कभी भी कोई ये होता है, कोई एक्स्ट्रा नया मर जाते हैं या फिर न्यू बॉडी आता है जो भी डेड बॉडी, तो उसमें होता है ना कि उन लोग का जो भी है फैमिली मेम्बर्स उसमें लोग तेल उल डालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीरी दुल सुनुम बोलते हैं, मतलब दीरी मतलब पत्थर और दुल सुनुम मतलब तेल को डालना उसमें। तो होता है ना उनके साथ साथ और भी पूर्वज लोग को, उन लोग को भी याद किया जा रहा है ऐसे। और इन लोग का जो छाया होता है, हम लोग का एक होता है इसमें, हम लोग का वो समझ में होता है कि मतलब हम लोग इन लोग का छाया जो है वो हम लोग किचन में बुलाते हैं, मतलब ऐसा हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का ये लोग हम लोग के ही साथ है। तो ये लोग के साथ हम लोग का बहुत सारा फ्रेंडली टाइप का है, ऐसा कोई डर नहीं है कि ये लोग हम लोग को डराएंगे कि क्या करेंगे, कुछ नहीं वैसा, मतलब बहुत ही वैसा कुछ नहीं लगता है कि मतलब ये लोग हम लोग को दूर चले गए हैं, इतना मतलब दूर ये कर देना है, वैसा कुछ नहीं है। तो घर के आसपास में ही जहाँ उन लोग का जगह रहता है, हर कोई का एक जगह बना दिया जाता है कब्रिस्तान कि ये वाला है उन लोग का, तो यहाँ पे ही। तो ऐसे ही मेरे घर के नज़दीक में ही ये चीज़ कब्रिस्तान, देखिए ये मेरा घर है और यहीं पे है कब्रिस्तान। तो दोस्तों ये तो हम लोग का अपना खानदान का है, मतलब मेरे खानदान का कब्रिस्तान है जो भी है यहाँ पे सारा, जितना अभी उस तरफ बाकी उधर फुल हो जाएगा, तो जितना भी सारा फुल हो जाएगा ना ये वाला जगह में, तो हम लोग का और भी एक जगह है जहाँ पे हम लोग दफनाएंगे, तो यहाँ पे फुल होने के बाद उधर में दफनाया जाएगा। तो दोस्तों ये तो आप लोग देखिए मेरा खानदान का, और एक जगह दिखाएंगे जो दूसरों का खानदान का है, वो चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। आइए दोस्तों ये जो कब्रिस्तान आप देख सकते हैं ना, ये अलग खानदान का, मतलब ये दूसरा लोग का खानदान का। और यहाँ पे अभी तो नहीं होता है, मतलब पहले जब हम छोटे थे ना तो उस समय में क्या होता था ना, ये कब्रिस्तान के नीचे मतलब ये इमली पेड़ के नीचे सब मतलब बीड़ी वगैरह बनाते थे, तो वो काम चलता था। तो अभी तो वो काम बंद है शायद, तो इसीलिए वो काम हो नहीं रहा, तो इसीलिए यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, नहीं तो सारे लोग यहाँ पे आसपास के लोग यहाँ पे बैठ के सारा अपना अपना काम करते थे, बीड़ी बनाते थे लेडीज लोग भी जेंट्स लोग भी। तो दोस्तों यही होता है, मतलब हमारा खानदान में ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कब्रिस्तान है तो छुआछूत है कि दूर है या ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों चलिए वो देख लीजिए इमली पेड़ की तरफ है ना वो सब, ये सब के भी अंदर में सबके अंदर में है। और देखिए उस तरफ आप देख सकते हैं रोड के सब, उधर देखिए घर के आंगन में भी सबके ये सब आदमी तोपा हुआ है, मतलब घर आंगन सब में भी सब तोपता है वो सब, ये देखिए ये सब में भी, और इधर आसपास सब में है। तो दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जितना सारा चट्टान है, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब सबके अंदर में एक एक है, मतलब सबके अंदर में एक एक जन है। तो दोस्तों बताइए आप लोग ऐसा कब्रिस्तान कभी देखें, तो ऐसा हम लोग के समाज में होता है, मतलब वो हमारे आसपास ही होते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और किस किस गांव में ऐसा होता है, आप लोगों के तरफ कैसा होता है। तो दोस्तों ब्लॉग को हम लोग यहीं करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।